मणिपुर में पिछले 3 दिनों से हिंसा जारी है। अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच 13,000 लोग अपना घर बार छोड़कर भाग चुके हैं। राज्य एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह है, जिसमें इम्फाल वैली पिच की तरह बिल्कुल बीच में है। ये राज्य का 10% हिस्सा है, जिसमें 57% आबादी रहती है। इसके चारों ओर 90% इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें राज्य की 42% आबादी रहती है। मणिपुर की आबादी में 53% हिस्सा मैतई समुदाय का है, जो ज्यादातर हिंदू हैं। राज्य के 60 में से 40 विधायक भी इसी समुदाय के हैं, और इम्फाल घाटी में इन्हीं का दबदबा है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 371 सी के तहत मणिपुर में इन पहाड़ी ट्राइब्स को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले हैं। ट्राइब्स पूरे प्रदेश में कहीं भी जाकर बसने के लिए आजाद है। वहीं लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर सेटल नहीं हो सकता। दोनों समुदायों के बीच टकराव की यह भी एक बड़ी वजह है। नतीजा ये रहा कि फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत सरकार ने जंगलों से कब्जा हटाने के लिए ड्राइव चलाई। आदिवासियों में इससे आक्रोश फैला, क्योंकि उनके लिए ये पैतृक जमीनें थी जहां वो सालों से रह रहे थे। ऐसे में अपनी ही जमीन से हटाए जाने का उन्होंने विरोध किया, लेकिन सरकार ने धारा 144 लागू कर प्रदर्शन पर रोक लगा। रैली में शामिल लोगों और पुलिस के बीच कांग कोपकी नाम की जगह टकराव हुआ, जिसमें दोनों ही तरफ के लोग घायल हुए। इसी बीच मणिपुर सरकार ने 10 मार्च को जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी ZRA और कुकी नेशनल आर्मी यानी KNA के खिलाफ सैन्य कार्यवाही रोकने के एग्रीमेंट से पीछे हट गई। ये एग्रीमेंट विद्रोही संगठनों पर कार्रवाई न करने के लिए हुआ था, लेकिन सरकार इससे पीछे हटी तो आदिवासियों में आक्रोश बढ़ गया। इनका तर्क है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय होने से पहले मैतई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, और अब अपने पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए उन्हें संवैधानिक कवच की जरूरत है। जनजातियां मैतई समाज को ट्राइब का दर्जा दिए जाने के विरोध में हैं। उनका कहना है कि मैतई मेजोरिटी में है, पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं। ऐसे में उन्हें ट्राइब का दर्जा मिल गया तो नौकरियों में उनका दबदबा बढ़ जाएगा, साथ ही वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी सेटल होना शुरू कर देंगे। सिफारिश में मैतई समुदाय को ट्राइब का दर्जा दिए जाने की बात थी। इसी के बाद हिंसा की शुरुआत हुई। 28 अप्रैल को द इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम नाम के संगठन ने चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया। इसके बाद देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। 3 मई को मैतई समाज की मांग के विरोध में आदिवासी एकता मार्च निकाला गया। इसके बाद मैतई और नागा कुकी समाज आमने सामने थे।